हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, तो आपको लॉकडाउन से तो क्लास नहीं चल रहा है, तो आई एम जस्ट टेकिंग ऑनलाइन क्लास। तो बच्चों ध्यान से सुनिए। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, द नेम इज पॉलिनोमियल। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर तो हम लोग ने आधा कर लिया है कंप्लीट। तो दोबारा जब क्लास शुरू होगा तो आई विल टेक द फर्स्ट चैप्टर। सो काइंडली नाउ फोकस ऑन दी सेकेंड चैप्टर, दैट इज पॉलीनोमियल्स। ठीक है बच्चों, तो पॉलीनोमियल्स में सबसे पहले आपको मालूम होना है कि व्हाट इज कॉन्स्टेंट, राइट? ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कॉन्स्टेंट। यानी कॉन्स्टेंट्स आर दो सिंबल्स विच हैज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स में जितने भी नंबर हैं बच्चों, 8 - 6, 5/7, पाई, ऑल आर कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब होता है फिक्स्ड, जो कभी चेंज नहीं होता। तो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स को बोलेंगे कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट इज वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स आर द सिंबल्स विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब बच्चों होता है चेंजिंग, जो हर बार चेंज होता रहता है। जैसे मान लीजिए रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको मालूम है कि रेडियस ऑफ द सर्कल कीप्स ऑन चेंजिंग, सर्कमफ्रेंस कीप्स ऑन चेंजिंग। सो दिस सी, दिस आर, और जितने भी एक्स यूज करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में, वाई यूज करते हैं बच्चों, वो सबको बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? नाउ सो बच्चों, अभी हम देखते हैं व्हाट इज एलजीब्राइक एक्सप्रेशंस। सो एलजीब्राइक एक्सप्रेशंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड। तो यानी बच्चों, एलजीब्रेक एक्सप्रेशंस में आपका होगा कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस इनटू डिवाइड। फॉर एग्जांपल बच्चों देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको 4 + 9x - 5x² y + 3/8xy, इसको बोलेंगे बच्चों एलजीब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, बिकॉज इसमें देखिए वेरिएबल्स भी हैं, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट भी हैं, 3/8, 5, 9 एंड 4 आर कॉन्स्टेंट्स। तो सिमिलरली बच्चों, x³ + 2x² y - 4xy² + y³ + 7 को भी बोलेंगे एलजीब्राइक एक्सप्रेशंस, क्योंकि इसके अंदर हैं वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो सिंपल है बच्चों, एलजीब्राइक एक्सप्रेशंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल्स। बच्चों एक्चुअली जो एलजीब्रेक एक्सप्रेशंस में एक्स का वेरिएबल होल नंबर होते हैं, वैसे एलजीब्रेक एक्सप्रेशन को बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो वंस अगेन बच्चों, पॉलिनोमियल्स आर एलजीब्रेक एक्सप्रेशन सच दैट, जैसे 3 देखिए बच्चों एक्स का पावर है, 2 एक्स का पावर है, या कुछ नहीं है तो 1x का पावर है। तो बच्चों ये पावर होना चाहिए होल नंबर, देन यू कैन से दैट द पर्टिकुलर एलजीब्रिक एक्सप्रेशन इज ए पॉलीनोमियल। समझ में आया बच्चों? जैसे देखिए ये एलजीब्रिक एक्सप्रेशन हैं, चलिए सबका पावर को चेक करते हैं। एक्स वाई का पावर क्या है बच्चों? 4। यहाँ वाई का क्या है? 3। यहाँ पे वाई क्या है? 2। तो यहाँ पे वाई क्या है? 1, ये कॉन्स्टेंट। तो ये बना एलजीब्रेक एक्सप्रेशंस, साथ ही साथ ये बना पॉलिनोमियल्स, बिकॉज वाई का जो पावर है हर जगह होल नंबर ही है। होल नंबर यानी 0 से लेके आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, नाउ यू हैव 3 + 2x² - 6x² y + 5xy² यहां देखिए बच्चों, जितने भी एक्स हैं सबका जो पावर है वो होल नंबर है, देन इट इज कॉल्ड ए पॉलीनोमियल। ठीक है बच्चों, बस आपको वेरिएबल का पावर को चेक करना है। अब यहां देखिए बच्चों, यहां पे एक्स का जो पावर है वो 2 है, विच इज अ होल नंबर। यहां जो एक्स का पावर है बच्चों, 3/2 है, आपको मालूम है 3/2 होल नंबर नहीं है। तो बच्चों ये जो एलजीब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम लोग पॉलीनोमियल नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक्स का जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, 3/2 इज अ रैशनल नंबर। तो इट्स वेरी सिंपल लॉजिक। सो व्हेनेवर द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर, देन द कंप्लीट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड
वॉट पॉलीनोमियल, अगर एक भी पावर उसमें होल नंबर नहीं रहा है तब आप उसको पॉलीनोमियल नहीं कहेंगे। नेक्स्ट इज बच्चों कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स इज वेरी वेरी सिंपल, जैसे एक्स क्यूब के सामने कौन सा नंबर है 5, सो 5 इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के सामने कौन सा नंबर है -4, -4 इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स के सामने कौन सा नंबर है बच्चों +6, तो +6 इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड -3 इज कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, तो कोएफिशिएंट्स आर द नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द वेरिएबल, सिंपल तरीके से। ठीक है बच्चों, अब बताइए यहाँ पे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4, इट इज 2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इट इज -5, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इट इज 2/3, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इट इज -√2, वेरी सिंपल। ठीक है बच्चों, डिग्री क्या है बच्चों, डिग्री मतलब देखिए यहाँ पे ये जो आपका दिख रहा है सेकेंड क्वेश्चन में वाई का पावर है बच्चों 2, यहाँ पे वाई का पावर है 1, ओके अब 1 और 2 में 2 बड़ा है तो 2 को बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। सो डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए एक्स का जो डिग्री है पावर है 4, एक्स का जो पावर है 2, तो 2 और 4 में से 4 बड़ा है तो 4 को बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। सो डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल क्या है बच्चों, इट इज द, देखिए क्या लिखा है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इज इट क्लियर बच्चों? तो बच्चों यहां तक आप लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो आज हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने पढ़ा कॉन्स्टेंट, फिर पढ़ा वेरिएबल्स, फिर पढ़ा एल्जीब्रिक एक्सप्रेशंस, फिर पढ़े पॉलीनोमियल्स, फिर पढ़े कोएफिशिएंट्स और पढ़े डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। तो ये सबका डेफिनेशन को बच्चों लिख लीजिएगा और मेरे को सेंड कर दीजिएगा, ओके। और कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ेंगे हम, करेक्ट, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।